झंडा लेके आए बहुत मुश्किल थी ट्रैफिक पूरी बीच में थी नहीं देखो मसला ये है ठीक है ये झंडा है ओके मैं मानता तो, हूँ मगर इसमें जो लिखा है कलमा उसकी तो इज्जत करना है भाई लोगों को बस शौक के लिए झंडे फिरा रहे रोडों पे चल जा रहे वो हाईवे एक तो बस वीडियो बनाने के लिए नहीं गया था मैं बस इस कलमे की वजह से गया था मैं जो इस कलमा लिखे हुआ है झंडे पे असलम वालेकुम दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग खैरियत से होंगे दोस्तों so, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को भी से लाइक कर दें जो दो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए बढ़ते हैं अपडेट की तरफ पूरी की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सबसे पहली खबर यह है कि सऊदी जकार टैक्स एंड कस्टमर होती की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर जो अपडेट है वो देख सकते हैं जिसमें कहा यह गया है कि जो लोग भी सऊदी अरब से सफ़र कर रहे हैं जो लोग सऊदी अरब आ रहे हैं अगर उनके पास साठ हजार रियाल या साठ हज़ार रियाल से ज़्यादा का कैश पेमेंट या फिर साठ हज़ार रियाल या साठ हज़ार रियाल से ज़्यादा का कोई कीमती सामान जिसमें सोना हो गया या फिर सोने के गहने हो गए या फिर कोई कीमती पत्थर या कोई और कीमती सामान है जिसकी कीमत तो साठ हजार रियाल या साठ हजार रियाल से ज़्यादा है तो इस बारे में आपको सऊदी अरब का जो जकात टैक्स एंड कस्टम होती है उनको ऑनलाइन जानकारी देना होगा यानी कि एक फॉर्म भरकर आपको सबमिट करना होगा अपडेट के मुताबिक तो बताया यह गया है कि सऊदी अरब का जो जकात टैक्स एंड कस्टम उठाती है उनकी वेबसाइट पर आपको फॉर्म मिल जाएगा और आप इसको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसको जमा कर सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो जो लोग भी सऊदी अरब से जा रहे हैं या सऊदी अरब आ रहे हैं अगर आपके पास साठ हजार साठ हजार रियाल से ज्यादा कैश पेमेंट या फिर कोई कीमती सामान है तो आप इसकी जानकारी कस्टम अठौती को जरूर दें इसके साथ अगली अपडेट ये है कि मशरकी रीजन पुलिस ने ऐलान किया है कि मश्रकी रीजन से आठ सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग बड़े पैमाने पर पब्लिक सड़कों पर विवाद कर रहे थे यानी कि लड़ाई झगड़े कर रहे थे और इनकी वीडियो क्लिप भी सामने आ गई जिसके बाद इन लोगों को पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद पब्लिक प्रिक्यूशन के हवाले कर दिया है जहां पर इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी इसके साथ एक अपडेट ये किस्प होते हैं कि इंडिया में बहुत सारे एजेंट अभी लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं कुछ तो कुछ लोग तो ऐसे फ्रॉड करते हैं कि आपको कोई दूसरा काम बताते हैं और जब आप अरब देश आते हैं तो आपको कोई दूसरा ही काम जो है वो करने को मिल जाता है जबकि अभी एक नया फ्रॉड देखने में आ रहा है कि लोग जो है वर्क विजय बोल विजिट वीज़ वीजे पर लोगों को जो है वो अरब देशों में भेज रहे हैं एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि बहरीन कई लोगों को इंडिया से भेजा गया ये कहकर कि आपका वर्क वीजा है और जब वो बहरीन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको पता चला कि उनका वर्क वीज़ा नहीं है बल्कि विजिट वीज़ वीजे पर उनको बहरीन भेजा गया है और विजिट वीज़ वीजे के जो रूल्स रेगुलेशन थे ये तमाम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से इनको बहरीन एयरपोर्ट से वापस इंडिया जो है वो भेज दिया गया है अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि बहरीन विजिट वीजे पर आने के लिए ज़रूरी है कि बहरीनी पैसा जो है आपके पास होना चाहिए यानी कुछ लिमिट बताई गई है जितनी लिमिट आपके पास बहरीनी पैसा जो है उतना होना चाहिए तभी आप विजिट वीजे पर जो है वो बहरीन के अंदर एंटर कर सकते हैं और भी कई रूल्स और तो रेगुलेशन हैं बहरीन में वीड वीजे पर एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है लेकिन ये तमाम बंदे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से वजट वीजे पर भी इनकी एंट्री जो है वो बहरीन में नहीं हुई इनको एयरपोर्ट से ही वापस इंडिया भेज दिया गया है तो अगर आप अरब देश में काम करना चाहते हैं और वर्क वीजे पर जाना चाहते हैं और आपका वीजा लग चुका है तो आप वीजा ज़रूर चेक कर लें कि आपका वीजा जो है वर्क है या फिर आपको विजिट वीजे पर जो है वो भेजा जा रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे एजेंट सिर्फ पैसे के चक्कर में लोगों के साथ बड़ा बड़ा फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं इसके साथ इसको तो अगली अपडेट ये है जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज जो है वो देख सकते हैं और इसकी वीडियो क्लिप आपने शुरू में वीडियो के शुरू में देखी होगी तो आपको बताते हैं कि ये जो सऊदी नागरिक ने इस औरत के ऊपर हाथ उठाया है इस सऊदी नागरिक को भी और इस लड़की को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ की जा रही है और जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों तो ये थी आज की सऊदी अरब की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट इंपॉर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें जो जो दो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं स्टूडेंट टॉपिक के साथ रखे अपना 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 ख्याल